अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोलर एग्रेट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सोलर प्लेट पैनल के ऊपर, कि वो हमें कौन से परचेज करने चाहिए और पाकिस्तान में कौन कौन से आ गए। तो मैं इंशाल्लाह ये पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और इनके फ़ायदे और नुकसान के भी बताऊंगा कि हमें क्या फ़ायदा हुआ पहले के पैनलों में और अब जो नए पैनल आ रहे हैं उनमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं 150 वाट का पैनल, ये 150 वाट का पहले पाकिस्तान में आया तो हमने इससे क्या फ़ायदा उठाया। हमने 12 वाट के निज़ाम चलाए, जैसे DC फैन है, DC लाइटें हैं, DC और चीज़ें हैं, वो हमने उससे चलाई और एक बैटरी के लिए हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त पैनल होता था ये, क्योंकि जब हमने UPS नहीं लगाना तो हम इससे डायरेक्टली कोई भी DC निज़ाम चला सकते थे और उनने चलाया भी। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये जैसे 260 वाट का पैनल आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये 260 वाट का पैनल है। अच्छा, ये हमें फ़ायदा क्यों नहीं दिया इसने इतना ख़ास और ये इससे हमें नुकसान क्यों हुआ? देखें, इससे एक फ़ायदा इसलिए नहीं हो पाया और ये बंद क्यों हो गया और फैल क्यों हो गया पाकिस्तान में। 260 वाट का पैनल था ये और हमें ये जो बिजली दे रहा था वो सिर्फ 180-170 वाट दे रहा था लॉस के साथ और ये जगह भी ज़्यादा घेर रहा था, तो इसलिए ये चल नहीं सका इतना ख़ास, इसलिए ये फेल हो गया पाकिस्तान के अंदर और ये आना भी बंद हो गया 2019 में ही। अच्छा, उसके बाद हमें जो देखने को पैनल मिले, जैसे कि आप मेरे साइड में देखिए 300 वाट का और 330 वाट के आप दोनों पैनल देख सकते हैं, ये हमारे को देखने को मिले 2020 में भी और 2019 में भी। तो 2019 में ये 330 और 300 वाट के जो पैनल है ये बहुत अच्छे रहे, मोनो में भी और पॉली के अंदर भी, और इनसे हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिली और बहुत अच्छे पैनल रही है और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसके बाद जो हमें नई टेक्नोलॉजी भी मिली और नए पैनल भी मिले, वो क्या मिले, 340, 370 और 400 तक पैनल देखने को हमें मिला। अच्छा, वो क्या मिला हमारे को, उसमें हमें फ़ायदा क्या मिला, पर टेक्नोलॉजी के साथ मिला, हाफ कट के साथ मिला। तो हाफ कट से जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, ये 370 और 400 वाट का पैनल आप मेरे साइड में देख सकते हैं। तो ये हमें इसमें क्या खूबियाँ मिली, ये है हाफ कट टेक्नोलॉजी। हाफ कट में हमें क्या मिला कि अगर हम आधी पैनल पे हमें धूप मिल रही है और आधे पे हमारी छांव आ रही है तो वो हमें पूरी बिजली दे रहा था। और ये देखा कि हमने वाकई में ऐसा, हमने तजुर्बा भी किया कि ये वाकई जो है ना हमें ये बिजली ऐसा दे रहा है या सिर्फ बातें हैं। तो हमने जब वो पैनल चेक किया धूप के अंदर, आधे पे कपड़ा डाल दिया और आधे पैनल को हमने चेक किया तो वाकई में आधे पैनल पे वो काम कर रहा था। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी और बड़ी कामयाबी मिली, लोगों ने इसको बहुत परचेज किया और बहुत माल बेचा हमने अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे पर टेक्नोलॉजी, वो हमें जो पर्क नाम की टेक्नोलॉजी आई है हाफ कट के अंदर ही, तीन जैसे क्या मेरे साइड में देख सकते हैं 420 और 440 वाट तक का पैनल हमें 2020 में देखने को मिला। अच्छा, इसमें क्या टेक्नोलॉजी, मोनो और पॉली के अंदर थी पहले वाली 330 और 300 में और हाफ कट में 370 तक में और 400 तक में। वो क्या मिली कि जब हमारा टेम्परेचर कराची का, मैं कराची की बात कर रहा हूँ आपसे, कराची का जब टेम्परेचर 40 से 42 पे गया है ना तो ये हमारी बिजली कम कर दिया करते थे मोनो, तो मोनो क्या करते थे, कम कर दिया करते थे, तो इससे हमारे को लॉस होता था, हमारे को नुकसान होता था इससे। अब जो हमें 420 और 440 में जो टेक्नोलॉजी में जो हमें देखने को मिला है वह है पर्क के नाम से। पर्क टेक्नोलॉजी में हमें यह फ़ायदा हुआ है कि टेम्परेचर अगर 44 पे या 45 पे भी जाता है तो हमारी बिजली कम नहीं होती, तो ये हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया। तो तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि पुराने जो भी 330 और 340 वाट वाले पैनल हैं अब वो आप बिल्कुल भी मार्केट से परचेज नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है आप लोग उसकी तरफ जाएं और वही वाले परचेज करें जो मार्केट में इस टाइम चल रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपको ब्रांड गिनवा देता हूँ, आप कौन कौन सी कंपनी के ले सकते हैं, आप ट्रीना के ले लें, आप जिंको के ले लें, आप सनलाइस वालों के ले लें, आप जो है ना जिंको के ले लें, ठीक है, ये ब्रांड बहुत अच्छे होंगे और भी और दो तीन ब्रांड हैं उनके भी ले सकते हैं, तो ये मशहूर ब्रांड होंगे तो आप इनके पैनल ले सकते हैं। अगर जिस भाई को भी अगर पैनल चाहिए कोई से भी वार्ड का तो वो नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है। उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।